देवरिया में आए नव आगातुक पुलिस अधीक्षक राजीव मल्होत्रा ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में पत्रकारों से मिलते हुए कहा कि अब से देवरिया में जीरो क्राइम होंगे, इसकी पहल मैं करूंगा। वहीं 15 महीनों से भट्टे मालिक की हत्या का खुलासा जल्द करने की बात भी कही। देखना यह है कि कितनी इनकी बातें सच साबित होती हैं। 15 महीने पहले हुए हत्या के फोटो और घर के परिजनों के रोते बिलखते वीडियो, जिसमें नामजद प्राथमिकता दर्ज होने के बाद भी नहीं हो रही गिरफ्तारी, दर दर भटक रहे हैं पिता और मृतक की पत्नी, नहीं मिल रहा न्याय। देखिए, जो ये अपराध है, इस संबंध में मैं हर अपराध को रिव्यू करूंगा और अपराध और अपराधियों के बारे में जो मेरी पॉलिसी वो जीरो टॉलरेंस की है। कोई भी अपराध करेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसका जो भी कानून उसके लिए अंजाम उसने दे रखा है, कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। कुछ क्राइम हुए हैं, वर्कआउट भी हुए हैं और बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं जो वर्कआउट नहीं हुए हैं, उनको भी रिव्यू किया जाएगा और उनको प्रयास किया जाएगा कि वर्कआउट कराया जाए और एक अच्छा संदेश जो है। मैं ये तो जरूर होगा, एक ही हत्या हुई थी कुछ दिन पहले जो भट्टा मालिक की, अभी तक उसमें खुलासा नहीं हो पाया। इस संबंध में ये कुछ लोग मुझसे मिले हैं आज और इस संबंध में मैं इस पूरे केस को रिव्यू करूंगा। मैं जो ये आपने बताया जिस क्राइम के बारे में बता रहे हैं, और प्रयास करूंगा कि अगर वो अनवर्कड आउट है तो उस केस को तार्किक अंत तक ले सकूँ। चलिए।